कैथल विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में फंसे कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को इंडियन नेशनल लोकदल में सेंध लगाने में कामयाबी मिली है। इनेलो के दो पुराने नेताओं ने रणदीप सुरजेवाला के साथ आने का निर्णय लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने इन दोनों नेताओं को पत्रकारों से मिलवाया। आइए आपको रणदीप सुरजेवाला की पीसी में ले चलते हैं। दलित विरोधी चेहरा उसे बेनकाब करने के लिए हमारे साथी रामदिया चावड़िया जी ने ये निर्णय किया कि वो आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ पकड़ेंगे और समर्थन करेंगे। मैं एक सेकंड के लिए आपको और मिलवाना चाहूंगा। हमारे शायद इलाके के सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे बड़े राजनीतिक धुरंधर और चाणक्य श्री लालचंद जांगड़ा जी को वर्षों तक उन्होंने लोकदल पार्टी और जब लोकदल बीजेपी साझा की तो उनका समर्थन किया था। लगभग 15 दिन पहले आदरणीय जांगड़ा साहब ने निर्णय किया, बैकवर्ड क्लास सम्मेलन जब हमने किया, क्या बैकवर्ड क्लास की लड़ाई में वो अपने बेटे अपने भतीजे का समर्थन करेगी। मैं लालचंद जांगड़ा जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल के एससी सेल के जिला प्रधान रामदिया चावड़िया ने अपने मन के भाव कुछ इस तरह से प्रकट किए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एससी सेल पूरे जिले का हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आज जो मैं पार्टी को छोड़ करके हमारे बड़े भाई रणदीप जी के साथ आया हूँ, तो मैंने इनको भाई साहब तो सारी बातें अपने मन की बोल दी, ये हमारी दोनों की बातें बोल चुकी हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल की चरणों में नमन करूँगा। आज ही उस परिवार को छोड़ करके और एक नए परिवार में आने को जा रहा हूँ, क्योंकि 91 से पार्टी में हूँ मैं और पार्टी की 91 से आज तक लगा दो 27 से 28 साल में को सेवा करते हुए उनमें तन मन से मैंने कभी कभी किसी प्रकार से पार्टी की सेवा में कभी नहीं छोड़ी। ये तो सारा डिस्ट्रिक्ट ही जानता है और उसके साथ साथ मैंने जो भी सामाजिक कार्य हैं वो छत्ती बिरादरी के मतलब एससी समाज के या पिछड़ी समाज के नहीं तो छत्ती के समाज के भी कार्य लगे हैं, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने करवाने का काम किया है। पत्रकार सम्मेलन में रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए इसके कुछ उदाहरण भी गिनवाए। हरियाणा में दलित साथियों का क्या हाल है, फरीदाबाद में दलित बच्चों को जिंदा जलाया जाता है और केंद्र सरकार के एक मंत्री आते हैं और वो दलित बच्चों को माफ कीजिए पर कुत्ते की पिल्ले की संज्ञा देते हैं, बजाय इसके कि खट्टर साहब और केंद्रीय सरकार कार्रवाई करे उनको दोबारा टिकट देकर केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। हमारे ही हरियाणा में हमारे पड़ोस में अंबाला में श्रीमती संतोष सारवान चौहान जो पूर्व मंत्री और भाजपा की विधायक थी उन पर एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कृष्ण राणा कातिलाना हमला करते हैं, वो खट्टर साहब से न्याय की गुहार करती है। खट्टर साहब भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर तो मुकदमा दर्ज करते नहीं, उल्टा इस दलित विधायक को प्रताड़ित कर उसकी टिकट काट देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल में रणदीप सुरजेवाला की स्थिति के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।